14 जनवरी को गुलबर्गा मालगत्ती क्रॉस अमन नगर में यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट कर आई चेकअप और आई ऑपरेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों ने आई चेकअप किए हैं और कुल 70 लोगों को ऑपरेशन की जरूरत थी। दृष्टि हॉस्पिटल में तमाम 70 ऑपरेशन बिल्कुल फ्री करने का ऐलान किया गया था। 14 जनवरी को हुए आई कैंप के बाद दृष्टि हॉस्पिटल में 17 और 18 जनवरी को 30 मरीजों का फ्री ऑपरेशन किया गया है और आगे भी लगातार आई कैंप में अपॉइंटमेंट लेने वालों का फ्री ऑपरेशन किया जाएगा। दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के कर्नाटका स्टेट में कुल 12 ब्रांच हैं और गुलबर्गा शहर में प्रकाश बीके सर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यह हॉस्पिटल चल रहा है। यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी और दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, जिसमें कई गरीब जरूरतमंद लोगों का फ्री ऑपरेशन किया जा रहा है। इस मौके पर यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी से हैदर अली नामदार और सुभान पटेल ने दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर प्रकाश बीके सर एंड टीम का शुक्रिया अदा कर आगे भी इसी तरह गरीब जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए यूनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सपोर्ट का ऐलान किया है। हैदर अली साहब जो है संडे के दिन हमको बुला करके जो है पूरा कमेटी पर बिठा करके बुला के पूरा हमारा ऑपरेशन कराया है दृष्टि हॉस्पिटल और हैदर अली साहब को दृष्टि हॉस्पिटल और अमन कम अमन नगर कमेटी के आधार सदर हैदर साहब और सुमान पटेल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और दवाखाने दृष्टि जो हमारे माजुगन के जो ऑपरेशन किए हैं उनका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल में है। जो 14 जनवरी को हमने दृष्टि आई केयर वालों से टाइप करके लोगों का ऑपरेशन हमारा कर गुनिया कॉलोनी अंदर कॉलोनी के लोगों का ऑपरेशन करवाया जो सक्सेसफुल रहा। कम से कम आज 30 ऑपरेशन हुए हैं और माँ बाप के अभी ऑपरेशन के लिए लोग आ रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से गए जो बीपी शुगर वगैरह के टेस्ट के लिए गए वो फिटनेस सर्टिफिकेट आने के बाद फिर उनका भी मजीद जो है उनका ऑपरेशन होगा। अलहमदिल्ला अब तक जो ऑपरेशन में पूरे सक्सेसफुल हुए अमाना का यूनिटी सोसाइटी के चलते जो भी हम काम किए हैं अलहमदिल्ला पूरा सक्सेसफुल देखा है और हम रेजन से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं आई दृष्टि केयर वालों का जो हमारा कोऑपरेट किए दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के एंटायर टीम मैनेजमेंट उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जिम्मेदारान को जो जिम्मेदारी दी थी कि आप आपके सोसाइटी के नेतृत्व में आके कैंप करिए सर, जितने भी लोग वहाँ पर पेशेंट आकर इंक्वायरी करते हैं उन पेशेंटों का टेस्ट फ्री किया जाएगा और साथ ही साथ वो जितने भी वहाँ पर पेशेंट आएंगे उसमें से जो लोगों का ऑपरेशन करने की अगर ज़रूरत पड़ती है वैसे तमाम पेशेंट को हमने हमारे दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के जानिब से उनको फ्री में करने का वादा दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के एंटायर टीम मैनेजमेंट हमारे खास करके उसके अंदर हमारे प्रकाश सर यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट के मुताबिक आज फुलफिल किए हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स कंटिन्यू दो दिन से 17 जनवरी 2024 और 18 जनवरी 2024 दो दिन के अंदर 30 पेशेंट का ऑपरेशन उन्होंने पूरे तरीके से मुफ्त में यहाँ पर किए हैं और बाकी जो भी पेशेंट यहाँ पर पेंडिंग ऑपरेशन करने के जो हैं उनका मेडिकल चेकअप के लिए उनका सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भेजे हुए हैं वो भी फिटनेस सर्टिफिकेट आने के बाद इंशाल्लाह उन लोगों का भी ऑपरेशन मुफ्त में दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल की जानिब से किया जाएगा। इस मौके में मैं दिल से एंटायर दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल के एंटायर टीम को मैं दिल से सलाम और सलूट करता हूं और उसके साथ के साथ हमारे अमन नगर यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के एंटायर टीम का भी मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं।